आपको वीडियो YouTube पर अपलोड करने नहीं आता है, क्या आपको टाइटल लगाने नहीं आता है, तो क्या आपको डिस्क्रिप्शन लिखने नहीं आता है, आपको थंबनेल लगाना भी नहीं आता है, तो हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा टाइटल डिस्क्रिप्शन थंबनेल किस तरह से लगाया जाता है और वीडियो कैसे अपलोड किया जाता है और उस वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज कैसे लाया जाता है वो आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग एकदम बढ़िया से देखो ताकि आप सीख पाओ। दोस्तों यहाँ पर आपको लॉन्ग वीडियो अपलोड करना है तो यहाँ पर अपलोड ए वीडियो पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अपलोड ए वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी लॉन्ग वीडियो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आपको उस लॉन्ग वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। लॉन्ग वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे दोस्तों यहाँ पर आपको वो वीडियो आ जाएगा। ऊपर यहाँ पर आपको थंबनेल लगाने के लिए बोलेगा। अगर आपने थंबनेल पहले से ही बना लिया है तो आप यहाँ पर थंबनेल को अटैच कर सकते हैं और यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है, सेट कर सकते हैं। यहाँ पर इस वाले आइकन पे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपको जो है थंबनेल लगाने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग थंबनेल को इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इस तरीके से थंबनेल सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अब आप लोग को करना क्या है कि यहाँ पर आपको सबसे मेन होता है कि थंबनेल मेन। यहाँ पर मैं इसीलिए थंबनेल को बोल रहा हूँ क्योंकि थंबनेल ही वो ऐसा चीज़ है जिससे आपके वीडियो का एंगेज बढ़ता है और आपके वीडियो पर सब क्लिक करता है धाए धाए, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज़ आएँ तो आपको थंबनेल बढ़िया ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। चाहे उसमें आपको आधा घंटा लगे या 20 मिनट लगे, आपको टाइम देना पड़ेगा थंबनेल बनाने पर, ओके। अब चलिए यहाँ पर आते हैं टाइटल पे। टाइटल ये होता है कि आपने जो भी टॉपिक वीडियो बनाया है, जो भी टॉपिक पे वीडियो बनाया है, आपको उसी से रिलेटेड टाइटल देना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए मैंने बनाया है कि यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, तो यहाँ पर मैं लिख दिया हाउ टू अपलोड यूट्यूब वीडियो। हाउ टू का मतलब होता है कि कैसे हम लोग यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन जो है आप सर्चेबल टाइटल जो है कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, टाइटल को सर्चेबल मतलब कि जो चल रहा है टाइटल वो कहाँ से आप उठाएंगे, तो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। वो वीडियो मैं अलग से बना दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ कर देने के बाद जैसे कि मैंने टाइटल आराम से लिख दिया है दोस्तों, टाइटल यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आए थे। डिस्क्रिप्शन में आपको इस टाइटल को यहाँ से जो है कॉपी करना है। यहाँ से आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर आपको इस पे पेस्ट कर देंगे। ये अपलोडिंग करते टाइम का प्रोसेसर मैं बता रहा हूँ। आप लोग अपलोडिंग करते टाइम ही टाइटल डिस्क्रिप्शन हर एक चीज़ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये बेटर होगा क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है चेंज हुआ है अभी, ठीक है। YouTube का एल्गोरिथम क्या चेंज हुआ है, मतलब कि आप YouTube पे जो वीडियो अपलोड कर रहे हो आपको पहले ही आपको जो है वीडियो पे टाइटल डिस्क्रिप्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि मुझे बोलता है कि यार आप टाइटल डिस्क्रिप्शन लगाओ, तो और एक यहाँ पर बेनिफिट ये भी आया है कि मोनिटाइजिंग वाले सबके लिए बेनिफिट है कि जिनका भी मोनिटाइज हो चुका हुआ है वो वीडियो अपलोड करते ही उनको एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका वीडियो कॉपीराइटेड है या नहीं, वो बताता है। तो ये मोनिटाइजिंग होने के बाद बहुत फ़ायदा है दोस्तों। यहाँ पर अब आप लोग को क्या करें, डिस्क्रिप्शन में कि आपने जो भी टाइटल मतलब बनाया है तो यहाँ पर मैं हैशटैग लगाऊंगा। अब जैसे कि मैंने लिखा है हाउ टू वीडियो अपलोड एंड यूट्यूब, ठीक है, तो यहाँ पर आपको वही हैशटैग लगाना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने हैशटैग पर क्लिक किया है हाउ टू अपलोड यहाँ पर लिखा ही है और यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा सर्चेबल टैग्स आ चुका हुआ है। तो टैग लगाने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है दोस्तों, आप लोग अपने टैग को यूज करो। और ये देखिए यहाँ पर मैं टैग को इसी तरीके से यूज करूँगा। फिर यहाँ से जो खाली वाला ऑप्शन आता है उसको यहाँ पर आपको कट करना है और नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पर फिर से मैं क्लिक करूँगा और आप लोग को अभी सामने ही करके दिखाता हूँ हाउ टू अपलोड यूपी अपलोड। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर देखिए इस तरीके का फ्यूचर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप किसी बड़े क्रिएटर को या आप डीजे रिमिक्सर हो या आप व्लॉग बनाते हो या आपका टैग कैटेगरी है, ठीक है, तो आपका कोई भी कैटेगरी का चैनल है, डीजे मिक्सिंग करते हो, तो आप लोग किसी भी बड़े यूट्यूबर को टैग कर सकते हो। वो कैसे, यहाँ पर आपको ये ए वाला जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर डीजे लिखना है। आप लोग जैसे ही डीजे लिखोगे यहाँ पर देखिए डीजे SID मतलब जो आ चुका हुआ है और यहाँ पर जितने भी सारे है चैनल्स डीजे से रिलेटेड आप उस सभी को टैग कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग उसे टैग कर दो, जिसको भी टैग करना है इस पर यहाँ पर क्लिक कर दो, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करने के बाद उसको टैग हो जाएगा और आपका वीडियो उसके पास पहुँचेगा
और दोस्तों अगर आपने अपने वीडियो में किसी का म्यूजिक यूज किया है या किसी का गाना यूज किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका गाने का लिंक देना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा क्रेडिट बाय, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा तो आपको कॉपीराइट जो है आने का चांसेस 0% हो जाता है, ठीक है। तो वही सब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि मैंने कोई इसमें सॉन्ग यूज किया है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉपीराइट। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लिखा है क्रेडिट बाय सॉन्ग और यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा किस उस सॉन्ग का जिस सॉन्ग को मैंने यूज किया है, ठीक है। यूज किया है तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि देने के बाद क्या होता है कि आपके वीडियो पे कॉपीराइट आएगा ही नहीं दोस्तों। अगर आप डीजे रिमिक्सिंग है ना तो आपको भी ये करना ही पड़ेगा। इस तरीके से करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है, तो अब यहाँ से आपको सीधा अपलोड पे क्लिक करना है। लेकिन यहीं पर एक बंदे लोग है जो कि गलती करते हैं दोस्तों। वो क्या है कि यहाँ पर जो एक ऑप्शन आता है जो किड्स वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए मैंने किस तरीके का फीचर कर रखा है यहाँ पर, नो एड्स नॉट मोड फॉर किड्स यहाँ पर आपको लिखना है और यहाँ पर नीचे कर देना है। अगर आप किड्स के लिए वीडियो बनाते हैं तो आप लोग यस पे क्लिक कर दीजिएगा, किड्स पे करके यस पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका कमेंट जो है बंद हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग कुछ इस तरीके से करना, और बहुत सारे बंदे का कमेंट इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि वो किड्स पे क्लिक करके वीडियो अपलोड करते थे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको नो फॉर किड्स पे क्लिक करके वीडियो को छोड़ देना है यहाँ से, ठीक है। वीडियो छूटने के बाद देखिए यहाँ पर जो है वीडियो कुछ इस तरीके से आएगा। तो अभी हम लोग इस वीडियो को अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि यार वीडियो ये कोई है ही नहीं, मतलब का वीडियो है ही नहीं, तो इसे हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे दोस्तों। तो मैंने आज की वीडियो आप लोग को सिर्फ यही सिखाया है कि आप वीडियो को कैसे अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पर। अगर आपको कोई और भी दिक्कत आता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको हर एक चीज़ सिखाऊंगा जो मुझे आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।